स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर पूछा गया। स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट इज रिलीज बाय प्रथम एनजीओ। प्रथम एनजीओ के द्वारा स्कूल बैग पॉलिसी जो है इसे रिलीज किया गया। आप जानते हैं प्रथम एनजीओ वैसे भी एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को लेकर काफी सारे सर्वे जो है वो करता रहता है टाइम टू टाइम। लेट्स सी क्या आंसर होगा इसका। स्कूल टीचर्स शुड इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स इन एडवांस अबाउट द बुक्स एंड द नोटबुक्स। बुक्स और नोटबुक्स के लिए जो स्कूल टीचर्स है वो पहले से ही बच्चों को बताएंगे कि वो आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। ये स्कूल बैग पॉलिसी के अंदर मेंशन किया गया है। इट रेकमेंड्स नो होमवर्क अप टू क्लास सेकंड। क्लास सेकंड तक कोई होमवर्क जो है वो नहीं दिया जाएगा। सोचे स्कूल बैग पॉलिसी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी। क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए देखिए प्रथम एनजीओ वैसे टाइम टू टाइम सर्वे करता रहता है जिसमें एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं जिसमें इंग्लिश की स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं, अर्थमेटिक के स्टैंडर्ड, राइटिंग स्टैंडर्ड देखे जाते हैं कि क्या बच्चे क्या सिक्स क्लास के बच्चे को एक्चुअल में अगर सिक्स क्लास की प्रॉब्लम दी जाती है मैथ्स की या इंग्लिश में उसे कुछ लिखने के लिए कहा जाता है वो कर भी पाता है या नहीं कर पाता। आपने डेफिनेटली इन सर्विस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जब हम लोग प्रिपेयर अपना करते थे सिविल सर्विसेज के लिए तब भी इस तरीके के जो सर्विस होते थे प्रथम एनजीओ के द्वारा इनकी रिवीलिंग करी जाती थी। बट यहाँ पे स्कूल बैग पॉलिसी जो है प्रथम एनजीओ नहीं लेके आया है। इट इज रिलीज बाय एनसीईआरटी। ठीक है तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। ए और बी को जल्दी से आप एलिमिनेट करें। इट मींस आंसर या तो सी होगा या डी होगा। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट करेक्ट होगी। दैट इज क्लास सेकंड तक होमवर्क को नहीं देने का प्रोविजन रखा गया है। स्कूल टीचर्स पहले से ही बच्चों को बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें कल लेके आनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कल पढ़ाए जाएंगे, सो दैट उनको पूरा बैग भर के ना लाना पड़े। ये स्टेटमेंट जो है, ये जो बात है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्कूल बैग पॉलिसी के अंदर इस चीज को डाला गया है। साथ में एक परसेंटेज भी बताई गई है। वो परसेंटेज क्या है, 2 बजे का जो लेक्चर है लाइव हमारा रैपिड फायर एमसीक्यू का, वहां मैंने वो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितनी परसेंटेज जो है वो रखी गई है कि अगर इंडिविजुअल जो बच्चा है, बच्चे का वजन अगर मान लीजिए 30 किलो है या 20 किलो है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में प्रोपोर्शन में कितना परसेंट वजन होना चाहिए बैग का, स्कूल बैग का, ये भी स्कूल बैग पॉलिसी में बताया गया। तो इसको जरूर आप सोचिएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नहीं तो जो 2 बजे का रैपिड फायर लेक्चर हमारा रहने वाला है उसमें जरूर बता दीजिएगा।